जयराम सरकार द्वारा शुरू किए गए जनमंच योजना के तहत दूसरे जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऊना जिला में इस अवसर पर हरोली में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं जनमंच कार्यक्रम में 32 विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। जनमंच में हरोली उपमंडल से आए सैकड़ों लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, जिनमें से अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया तथा विशेष समस्याओं को 15 दिनों के भीतर निपटाने के निर्देश भी दिए गए। ऊना के हरोली उपमंडल में दूसरे जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जनमंच कार्यक्रम में हरोली उपमंडल की चिन्हित 10 पंचायतों से संबंधित लोगों की शिकायतों व समस्याओं को सुना गया। हरोली प्रशासन द्वारा 10 दिन पहले लोगों की शिकायतों को ऑनलाइन मंगवाया गया था, जिसमें प्रशासन के पास कुल 76 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 56 शिकायतों को जनमंच कार्यक्रम से एक दिन पहले ही निपटा दिया गया था, जबकि शेष 20 ऑनलाइन शिकायतों के अलावा हरोली सहित जिला के अन्य क्षेत्रों से आए लोगों की शिकायतों को विधानसभा अध्यक्ष ने ध्यानपूर्वक सुना और कार्यक्रम में उपस्थित 32 विभागों के अधिकारियों को निर्देश देकर अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी कर दिया गया, जबकि लंबी समस्याओं को संबंधित विभागों द्वारा आगामी 15 दिनों के भीतर निपटाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सरकार की इस पहल की हरोली की जनता ने जमकर प्रशंसा की है। लोगों की माने तो इस कार्यक्रम से लोग सीधे अपनी समस्या सरकार के समक्ष रखेंगे तो उनका निवारण भी जल्द होगा। विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि सरकार की ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। बिंदल ने कहा कि इस योजना के तहत जनता सरकार के प्रतिनिधियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखेंगे और शिकायत को उसी समय संबंधित विभाग को प्रेषित कर शीघ्र समाधान करवाया जाएगा। बिंदल ने कहा कि इस योजना के तहत लोगों को एक ही छत के नीचे अपनी समस्याओं का समाधान करवाने में आसानी होगी। कंप्यूटर लेकर के बैठे हैं, फोटो सेट लेकर के बैठे हैं, स्कैनिंग का इंतजाम लेकर के बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? आपकी एप्लीकेशन आएगी और वो एप्लीकेशन तुरंत ये फोटो सेट करेंगे, स्कैन करेंगे और स्कैन करके उसका डाटा जनरेट करेंगे। अगर आपने PWD की कंप्लेंट दी है तो SC साहब को जाएगी, अगर आपने प्रशासनिक कोई कंप्लेंट दी है तो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को जाएगी, अगर आपने कोई तहसीलदार के संबंधी कंप्लेंट दी है तो तहसीलदार साहब यहाँ पर है उनको जाएगी, और कोई और बड़ी कंप्लेंट है तो संबंधित विभाग के मंत्री को और बाकी सब लोगों को वो कंप्लेंट आपकी जाने वाली है। तो इसकी खूबी यह है कि जिनको हम उनके कार्यालय में ढूंढने के लिए जाते हैं वो सारे अधिकारी आपके द्वार पर बैठे हैं। जनमंच कार्यक्रम के दौरान समूर कला निवासी निशा देवी पत्नी विजय कुमार ने उनके साथ रह रहे ननद के 4 बच्चे का लंबे समय से राशन व आधार कार्ड न बनाने का मामला रखा, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर निर्देश दिए तथा निशा देवी का नया राशन कार्ड मौके पर ही बनाकर दिया, जिसमें छूटे हुए ननद के 4 बच्चों को अंश, लाली, मुस्कान तथा पायल का नाम शामिल कर उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के हाथों वितरित किया गया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इन बच्चों के आधार कार्ड भी जल्द बनाकर दे दिए जाएंगे। इस बारे में निशा देवी का कहना है कि उनकी ननद के 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 दिव्यांग हैं जो उसके साथ ही रह रहे हैं तथा उनके लंबे समय से राशन व आधार कार्ड नहीं बन पा रहे थे, जिसके लिए वह बार बार कार्यालय के चक्कर काट रही थी। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें जनमंच कार्यक्रम का पता चला तो वह हरोली पहुंच गई तथा कुछ ही मिनटों में निशा देवी का नया राशन कार्ड बनने पर भी बेहद खुश नजर आई। निशा देवी के राशन कार्ड में छूटे हुए बच्चों को शामिल कर दिया गया है तथा उनका कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम सरकार द्वारा लगातार आयोजित होते रहने चाहिए ताकि उनके जैसे गरीब लोगों को काम करवाने के लिए बार बार कार्यालयों के चक्रों से छुटकारा मिल सके। कहते कहने में नहीं चलते बच्चे, मेरे पास 4 बच्चे रह रहे वो ननान के हैं। मेरी ननान जो मर गई, ननान भी मर गई और उसका घरवाला भी मर गया, और ये बच्चों का ना राशन कार्ड बनता था ना इनके आधार कार्ड, और पढ़ना पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही थी,
और अभी मैं इनके यहाँ पर आई हूँ इस मंच पे, तो ये बिंदल साहब ने मेरी सुनवाई कर ली। कोर्ट में भी गई, सभी पंचायत में भी गई, सभी तरफ मैंने घूमा बार इनके बच्चों का कुछ बन जाए, पर नहीं कहीं नहीं मिला। अभी मैं इसमें हिमाचल सरकार और बिंदल साहब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जो मेरे ये बच्चे अभी पढ़ भी सकेंगे और इनके राशन कार्ड भी और अभी इनके आधार कार्ड भी। इसी दौरान सुलह निवासी विजय कुमार का भी विभागीय अधिकारियों ने मौके पर ही राशन कार्ड बना कर दिया। आज जो कार्यक्रम जनमंच के द्वारा रखा गया था और उसमें विधानसभा अध्यक्ष श्री राजीव बिंदल जी हरोली में आए और उन्होंने लोगों की 100% समस्याएं सुनी और उसका मौके पर ही निपटारा किया। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और मेरे खुद के काफ़ी काम थे जो मेरे गाँव के रिलेटेड थे या मेरा पर्सनल था, वो भी आज उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि ये काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है और इसमें कोई भी पार्टी या किसी जाति विशेष या व्यक्ति विशेष का कोई लेना देना नहीं है। ये बीजेपी सरकार की बहुत ही शोभनीय पहल है। मुख्यमंत्री हम ठाकुर जी को बहुत ही धन्यवाद करेंगे जो ये उन्होंने 30 योजनाओं में से ये एक जनमंच योजना शुरू की। सरकार ने जनमंच कार्यक्रम शुरू किया है। इस जनमंच कार्यक्रम से पूरी पब्लिक संतुष्ट है क्योंकि उनकी समस्याओं की सुनाई उनके घर द्वार पर आकर की जा रही है। जय जयराम सरकार ने गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया है क्योंकि ऐसे तो उन गरीब लोगों की सुनाई नहीं होती थी। आज मैंने अपने गांव की समस्या रखी, कुछ लोगों ने सिंचाई के लिए होदियाँ बनवाने के लिए और कोई गंदे पानी की निकासी के लिए समस्याएं रखी और मुझे विश्वास है कि उनका समाधान बहुत ही जल्दी होगा। और फिजिकली हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन का फाउंडर चेयरमैन, मेरी समस्या ये थी कि हाई कोर्ट डायरेक्शन है एक जमीन के बारे में, कंसोलिडेशन डिपार्टमेंट का केस है बड़ा पुराना, हाई कोर्ट की डायरेक्शन जो है वो कैरी आउट नहीं हो रही। आज मैंने जनमंच में उसकी एप्लीकेशन दी है और डीसी साहब ने इसकी शाम की ड्यूटी लगा दी है कि अभी जल्दी हो जाए। अगर हो जाएगा ये इस मंच का बहुत लोगों को भी फायदा होगा, मुझे पता चला था, इसलिए मैं अपने गाँव मजारा से जहाँ चला आया, मेरा गाँव मजारा है जिसके गुना में, इसलिए हम ये आशा करते हैं कि ये ऐसे जनमंच जो हैं वो सभी जगह लगने चाहिए। जो आज राशन कार्ड का मामला माननीय अध्यक्ष मोदी के सामने जनमंच में आया था तो विभाग द्वारा मौका पर राशन कार्ड जारी कर दिया।